होगी और बहुत ही खुश होगी। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और सैटरडे का ब्लॉग आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस डेली रूटीन है मेरा और सुबह काम निपटा चुकी हूँ। सुबह काम निपटाने के साथ ही इवनिंग में पौधों को पानी डाला है, कपड़े उतार के लाइन से अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो आज डिनर में बनाया है मैंने कढ़ी पकौड़ा और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कढ़ी बनी थी। बहुत ही लाजवाब टेस्ट था और काफ़ी सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। ये रेसिपी आप लोग साथ शेयर की है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज और हरा धनिया यहाँ पर काट लिया बारीक बारीक। यहाँ जीरा लहसुन का पेस्ट बना लिया था। तड़के के लिए आधा चम्मच ले लिया राई, चौथा चम्मच जीरा, 7 से 8 मेथी के दाने, कुछ सूखी लाल मिर्चें, करी पत्ता और कुछ लहसुन की 7 से 8 कलियाँ क्रश करके ले ली हैं। और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो रहा है जब तक पकौड़ों का बैटर यहाँ तैयार किया है। प्याज हरा धनिया में डाल देता, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, हींग और नमक और आवश्यकता अनुसार बेसन डाल के अच्छी तरह से मल लिया है। बस पकौड़ों को अच्छी तरह से प्याज के साथ बेसन को अच्छी तरह से मलने के बाद हल्का सा 1 पिंच मीठा सोडा डाल दिया था, यानी खाने वाला सोडा। और बस पकौड़े इस तरह से मीडियम हॉट तेल में तल लिए हैं। तो जैसा कि मैंने अक्सर बताया कि पकौड़े जब भी तेल में डालें उसे हिलाए नहीं, क्योंकि जब भी हम पकौड़े डालते हैं ना तो पकौड़े अपना शेप ले लें उसके बाद ही हल्का सा उन्हें हल्के से हिलाइए, क्योंकि अगर हम तुरंत हिलाएँगे तो पकौड़े फैल जाते हैं। तो बस करारे से पकौड़े तले। यहाँ आधी कटोरी दही ली है, वजन के हिसाब से 150 ग्राम दही है। ये ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, नॉर्मल ही दही है। और थोड़ी सी हल्दी और नमक और इसमें 1 चम्मच इस तरह से, 1 चम्मच मेरे पास इसके 1 चम्मच भरकर बेसन डाल दिया था। और बस मिक्सर जार में ही मैं दही और बेसन को मिला लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए बैटर तैयार है, तेल गर्म कर लिया है पतीले में, बस कढ़ी में अब छौंका लगाना है मुझे। तो जीरा राई और मेथी डाल दिया यहाँ पर, 7 से 8 इस तरह लहसुन की कलियों को क्रश करके डाल दिया है। कच्चा लहसुन ना इसमें कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो फ्रेश करी ली इसलिए इसे 8 से 10 ले लिया है यहाँ पर मैंने। हल्का हल्का लहसुन लाल हुआ था तो 1 प्याज था मीडियम साइज का, उसे इस तरह से बारीक काट लिया है और प्याज को भी हल्का हल्का गुलाबी यहाँ फ्राई कर लिया है। तो प्याज देखिए हल्का हल्का फ्राई हो गया था। यहीं पर जीरा और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो यहाँ डाल दिया और बस इसे 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, जब तक कि मसालों की एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। बस अब जो कढ़ी का बैटर तैयार किया है मैंने दही और बेसन का घोल यहाँ डाल दिया है। अब इसमें 1 लीटर पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है और इतनी ही पतला मैंने कढ़ी को रखा है, क्योंकि जब भी कढ़ी पकती है तो बेसन थिक होता है। तो बस 1 लीटर पानी मैंने डाला इसी मेजरमेंट से। और यहाँ जब कढ़ी में उबाल आ गया था मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है और कढ़ी अभी पक रही है। तो कढ़ी को पकते हुए लगभग 12 से 14 मिनट हो गए हैं और कढ़ी पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए साइड में ना जो उबाल आता है बेसन के जो एक झाग सा आता है वो अब बिल्कुल भी नहीं है कढ़ी में। तो यहीं पर पकौड़े ऐड कर दिए और पकौड़े डालने के बाद भी मैंने 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लिया है। और आज नैती को खानी थी पूरियां करी के साथ, तो मैंने आटा अजवाइन डाल के गूंद लिया है पूरियों का और बस जो पकौड़े तले थे उसी कढ़ाई में मैंने उसके लिए पूरियां भी बना ली। वैसे तो अक्सर रोटियां ही बन जाती हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा चेंजेस भी करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों को थोड़े चेंजेस ही पसंद आते हैं। और कढ़ी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, पालक के पकौड़ों की, प्याज के पकौड़ों की भी शेयर की है, लेकिन मैं हर बार कोशिश करती हूँ कुछ डिफरेंट मतलब ऐड करूँ। तो बस हर रेसिपी में कुछ ना कुछ चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंट हम करते हैं और स्वाद हमें बेहतर मिल जाता है। तो बस आज कुछ यही डिफरेंस है कि इसमें कच्चा लहसुन डाला है मैंने कढ़ी में और स्वाद बहुत गजब का मिला है मुझे। तो पूड़ियाँ भी तली थी, पापड़ भी, और कढ़ी में उबाल आ चुका था तो उसमें हींग भी डाल दी थी। तो यहाँ बस अब ऊपर से लगाऊंगी मैं कढ़ी में तड़का, क्योंकि हम जब ऊपर से कढ़ी में तड़का लगाते हैं ना उसका स्वाद बहुत गजब का आता है। तो तेल गरम कर लिया था यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करी पत्ता डाल दिया था, 5 से 7 सूखी लाल मिर्चें, कसूरी मेथी, गैस का फ्लेम कर दिया बंद और यहीं पर 1/4 चम्मच डाल दिया कसूरी मेथी, क्योंकि अगर हम गर्म तेल में तुरंत डाल देंगे तो मिर्च जल जाएगी। और ये हमने लगा दिया कढ़ी के ऊपर से छौंका, इससे कढ़ी हमारी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए हमारी कढ़ी देखने में ही बहुत ही लाजवाब लग रही है और आज बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है। बस अब देखिए ये सब काम होते हैं तो किचन में बर्तन भी इतने निकल जाते हैं ना,
तो बस अब कढ़ी चावल भी मैंने दूसरी तरफ पकाने के लिए रख दिए हैं, तो मैंने लगे हाथ किचन भी क्लीन कर लिया है। कढ़ी पक रही है और चावल बना लिए मैंने, बस मुझे रोटियां बनानी है और चटनी बना ली है, चटनी भी रेडी कर ली है, सलाद काटना है और डिनर की थाली मेरी रेडी है। बस इवनिंग का रूटीन इसी तरह से बीतता है, किचन व्यस्त हो जाता है, छोटा होने में जैसे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर मतलब अब आदत हो गई, फटाफट समेट लेती हूँ मैं, और अब समेट लिया है, बस खाने के बाद बर्तन रह जाएंगे खाने के और थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग। तो बस चलिए अब बस डिनर की तैयारी हो जाएगी, फिर डिनर की प्लेटिंग करके दिखाऊंगी आपको मैं। तो किचन क्लीन कर लिया मैंने और बस मुझे अब 2-3 रोटियां बनानी गुप्ता जी के लिए, और कढ़ी तो मैंने तड़का लगा कर रख दिया था, कुछ पकौड़े रख दिए थे साइड में बच्चों को खाने थे, और बस किचन समेट लिया है, लगभग सब चीज़ें रेडी हैं। कढ़ी और डिनर हम जो भी बनाते हैं प्लेटिंग मेन होता है, अगर हम प्लेटिंग अच्छे से करते हैं ना तो खाने वाले की भूख बढ़ जाती है, एक की जगह 2 रोटी भी खा लेते हैं। प्लेटिंग मतलब मेन खाना बनाना जितना मेहनत का काम है ना, उससे मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट प्लेटिंग का भी काम होता है। तो बस यहाँ पर इस तरह कढ़ी रख दी, पापड़ रख दिया, चम्मच रख दिया साथ में, और साथ में यह दही वाली चटनी प्याज। तो हो गई डिनर की थाली तैयार और लाजवाब कढ़ी पकौड़ा तैयार है। तो फ्रेंड्स मेरे इस तरीके से जरूर बनाइएगा कढ़ी पकौड़ा और बहुत ही पसंद आएगी आपको ये रेसिपी, और आपकी फैमिली में सभी बहुत ही पसंद करेंगे, और दोबारा इस रेसिपी से आप कढ़ी पकौड़ा जरूर बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। और बस लेटिंग एंजॉय कर अपना डिनर, और बस यही टाइम होता है कि थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, और वो भी जो सीरियल हमारे रोज का है देव को देव महादेव, वो सीरियल लग जाता है, और बस इसी तरह से खाते हुए जो भी टाइम होता है उतनी देर टीवी देख लेते हैं।